फ्रेंड्स, कई महीनों बाद एक बहुत अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है आप लोगों के लिए। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को खुशी मिलेगी एंड काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना जो भी डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं वीडियोज़ में, बहुत सारे चैनल्स पर गलत बताया जा रहा है। सो मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आपकी वैकेंसी की, तो वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। आप ये मान के चलिए नेक्स्ट मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है TOD। ये आप लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा था, तो इस वीडियो में काफ़ी इसके बारे में आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि किसी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सभी जगह इसके बारे में मिथ फैले हुए हैं कि ये ऐसा है वैसा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं निकाल के लाया हूँ आप लोगों के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड रियल हैं ये मान के चलिए। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से समझना इस वीडियो को। TOD क्या होता है, अप्लीकेबल होने वाला है, ये मान के चलिए आप नेक्स्ट वैकेंसी से अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। TOD तो TOD है क्या, यहाँ पे बाकी सारे वीडियोस में अभी तक बताया जो जा रहा था, अभी तक जो पता चल रहा था वो पता चल रहा था कि 4 साल के लिए आप जॉब उसमें जाएंगे, फिर उसके बाद आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, फिर उसके बाद मतलब 4 साल के लिए वैकेंसी यहाँ पे फिल की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इसके रियल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, अभी मैंने डाटा से निकाला है तो उसमें वहाँ पे पता चला है कि आपका जो TOD है उसमें 4 साल के लिए आप जाएंगे तो 4 साल के बाद होगा क्या, आपका एक फिटनेस टेस्ट होगा। अगर आप वो फिटनेस टेस्ट को पास करते हैं आप वहाँ पे फिर से टेस्ट होगा। अगर आप उस टेस्ट को पास करेंगे फिटनेस टेस्ट को, देन आप आगे के लिए एलिजिबल होंगे। आपसे पूछी जाएगी आपकी एग्रीमेंट, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आगे जॉब करना। अगर आप चाहते हैं तो आपका टेस्ट में अगर आप पास होंगे तो आपको करने दिया जाएगा, अगर आप नहीं पास होते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इससे अच्छी चीज़ होगी कि जो लोग मतलब कि जो अच्छे सैनिक होंगे वही वहाँ पर रहेंगे, बाकी के जो अगर वो जिनका मन नहीं है वो ज़बरदस्ती वहाँ पर सिर्फ काम कर रहे हैं एंड वहाँ पे रुके हुए हैं तो वो लोग वहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे। सिर्फ वही लोग रुकेंगे जिनके अंदर जुनून है देश सेवा के लिए। अगर सोल्जर एक जुनून की ज़रूरत होती है सो वही लोग वहाँ पे रुकेंगे। इसके बाद आपको अगर वहाँ पे आप 4 साल के बाद अगर आप वहाँ से निकाले जाते हैं, मान लीजिए आप वापस आ रहे हैं, तो भी आपको साथ में एक डिप्लोमा दिया जाता है। डिप्लोमा किस चीज़ का दिया जाता है, जिस भी ट्रेड में आप होंगे उस चीज़ का आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप बाहर आपको अच्छे से जॉब मिल जाएगी, आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेंगे यानी कि आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। सो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। एंड TOD के बारे में जो अभी तक मिथ फैले हुए थे आई थिंक ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी नेक्स्ट मंथ में आप 99% श्योर मान के चलिए आपकी वैकेंसी 99% चांसेस हैं कि आपकी नेक्स्ट मंथ में 100% आ जाएगी। टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आपको मैंने बता दिया कि 4 साल के लिए आप जाएंगे तो, लेकिन वहाँ पे आपका फिटनेस टेस्ट होगा कुछ सालों बाद, हर कुछ सालों बाद आपका टेस्ट होता रहेगा। अगर आप उसमें पास करते रहेंगे तो ही आप उस आगे के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका अगर मन है वहाँ पर रुकने का एंड आप टेस्ट भी पास कर लें तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वहाँ पे आपसे राय पूछी जाएगी आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं तो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में आप पास होंगे तो फिर से आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, काफ़ी टाइम से जिसका आप वेट करते हैं, जो आपके मन में डर था कि 4 साल के बाद वहाँ से वापस कर दिया जाएगा, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को। मैं वैसे तो नहीं कहता लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत बता रहे हैं, तो सही इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।